हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा नर्सिंग क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है विटामिन ए वैक्सीन, यानी जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसको कौन से रूट से देते हैं, कितना इसका अमाउंट होता है, और इसको कौन सी साइड से देते हैं, और इसकी कितनी डोज होती है, और जो ये विटामिन ए की जो वैक्सीन है वो किससे प्रिवेंट करवाती है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है विटामिन ए वैक्सीन। द डोज गिवन एट 9 मंथ इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसको 9 मंथ पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन ए इज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट इन 1 ml। यानी जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट के अंदर 1 ml। तो जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसको 9 मंथ पर 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml देते हैं। टोटल 9 डोज ऑफ विटामिन ए आर गिवन विद द गैप ऑफ 6 मंथ अप टू द एज। यानी जो विटामिन ए है उसकी टोटल 9 डोज देते हैं और 2 डोज के बीच का जो गैप होता है वो होता है 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर। यानी ये 5 साल तक देते हैं। रिमेनिंग 8 डोज आर ऑफ 2 ml। यानी जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज है वो तो 1 ml देते हैं और बाकी जो 8 डोज है वो 2 ml देते हैं। नेक्स्ट है इसका रूट। जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसका रूट होता है वो होता है ओरली। यानी इसको ओरली देते हैं माउथ के द्वारा। टोटल डोज ऑफ विटामिन ए, जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है उसके कितने डोज होते हैं टोटल, वो होते हैं 9 डोज। टोटल डोज अमाउंट ऑफ विटामिन ए, और जो टोटल डोज है उसके अंदर कितना अमाउंट होता है वो होता है 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट। यानी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट इसका टोटल अमाउंट होता है और टोटल डोज होती है वो होती है 9 डोज। अब बात करते हैं इसकी डोज की, यानी 9 डोज है वो कब देते हैं और कितनी देते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट डोज है, जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज है उसको 9 मंथ पर देते हैं और कितनी देते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml देते हैं। सेकेंड डोज है वो देते हैं 18 मंथ पर, कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। जो थर्ड डोज है वो देते हैं 24 मंथ पर, और कितनी देते हैं, वो देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। फोर्थ डोज है वो देते हैं 30 मंथ पर, और वो कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। नेक्स्ट है फिफ्थ डोज, इसको देते हैं 36 मंथ पर, और ये कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। नेक्स्ट है सिक्स्थ डोज, इसको देते हैं 42 मंथ पर, और कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। नेक्स्ट है सेवन्थ डोज, इसको देते हैं 48 मंथ पर, और ये देते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। नेक्स्ट है एट डोज, ये देते हैं 54 मंथ पर, और कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। नेक्स्ट है नाइन्थ डोज, ये देते हैं 60 मंथ पर, और ये कितनी देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 2 ml। यानी जो विटामिन ए है उसकी टोटल 9 डोज देते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट डोज है वो देते हैं 9 मंथ पर, सेकेंड डोज देते हैं 18 मंथ पर, थर्ड डोज देते हैं 24 मंथ पर, फोर्थ डोज देते हैं 30 मंथ पर, फिफ्थ डोज देते हैं 36 मंथ पर, और सिक्स्थ डोज देते हैं 42 मंथ पर, सेवन्थ डोज देते हैं 48 मंथ पर, एट्थ डोज देते हैं 54 मंथ पर, और नाइन्थ डोज देते हैं वो देते हैं 60 मंथ पर। और इसके अंदर जो अमाउंट होता है वो होता है, फर्स्ट डोज के अंदर तो होता है 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट या 1 ml, और बाकी जो 8 डोज है उसके अंदर 2 ml या 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट ये डोज देते हैं। तो ये टोटल 9 डोज है विटामिन ए की, और ये 60 मंथ तक यानी 5 साल तक देते हैं। तो ये था विटामिन ए वैक्सीन, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया है। और ये जो विटामिन ए की जो वैक्सीन है वो हमें ब्लाइंडनेस से प्रिवेंट करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक
विटामिन ए वैक्सीन, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।